हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनो जोन। आज हम लोग बात करने वाले हैं निंजास क्रीड 3D स्नाइपर शूटिंग असैसिन गेम के एरिया 2 मेक्सिको राउंड के गेम प्ले के बारे में। निंजास क्रीड गेम के एरिया 1 जापान की स्टोरी मोड और कई ना की सारी वीडियोस की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने अभी तक एरिया 1 जापान की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी जाकर जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग गेम्स के बारे में जानने के लिए। और गाइस, अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल इजी न्यूट्रिशन को भी सब्सक्राइब करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स, गेम को स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे सामने देख सकते हैं अब आ चुका है निंजास क्रीड का एक कवर पेज और चेकआउट करना है हमें आज की एरिया 2 मेक्सिको के राउंड्स जो हैं वो कैसे होने वाले हैं, वहाँ की लोकेशन कैसे होने वाली है, तो मज़ा आने वाला है बहुत। हमारे सामने आ चुका है यहाँ पर डेली रिवॉर्ड देख सकते हैं आप। तो जब भी आप हर डे गेम को ओपन करते हैं आपको एक सर्टेन रिवॉर्ड मिलता है। अब जैसे 5 डे का है तो जैसे आपका 6th डे आएगा तो फिर आपका जो रिवॉर्ड है वो D1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये साइकिल जो रिपीट में चलती रहती है, आपको रिवॉर्ड मिलते रहते हैं। तो अगर आपके पास गेम खेलने का टाइम भी ना मिले, आपको बाय चांस आप गेम नहीं खेल पा रहे, तो कम से कम गेम को ओपन करके जो आपका एक डेली रिवॉर्ड है उसको ज़रूर क्लेम करें, क्योंकि बाद में आपके जो वेपन है उसको अपग्रेड करने के लिए आपको इसकी नीड बहुत पड़ने वाली है। तो डेली रिवॉर्ड को अपना बिल्कुल भी मिस ना करें। करते हैं यहाँ पे क्लेम और करते हैं यहाँ पे हम लोग कन्फर्म पे क्लिक। चलते हैं यहाँ से शॉप की तरफ, देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑफर मिल रहा है कि यहाँ से आप चाहें तो इन चीज़ों को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है वीडियो देख के आपको ज़्यादा कैश मिल रहा है, क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से देख लेते हैं वीडियो को। मिल गया यहाँ पर हमें 4000 कैश। करते हैं यहाँ पर कन्फर्म। आप जाते हैं यहाँ से काफ़ी सारे आइटम हैं, इनको बाय कर सकते हैं आप। हम चलते हैं बैक पे और यहाँ से चलते हैं हम लोग स्टार्ट की तरफ और चलते हैं मिशन पर। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पर एरिया 2 मेक्सिको जो है उसका आपको इंटरफेस दिख रहा है पूरा। देख सकते हैं आप मेन स्टोरी, हंटिंग लिस्ट, डेली टास्क, डोमिनेटर अरीना, बाउंटी हंटर जो है हमारा, साथ में ब्लड बैटल जो है। तो बिल्कुल हमारे सेम एरिया 1 जापान की तरह एरिया 2 के अंदर भी ये सब चीज़ें सारी हैं हमारी। हम लोग ज़रा अपने वेपन को चेक कर लेते हैं ज़रा। देख सकते हैं आप यहाँ पर हम लोग बो को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एरिया 1 का जो हमारा बो एंड एरो है वो एरिया 2 में कंपेटेबल इतना बढ़िया नहीं रहेगा। देख सकते हैं हमने अभी जो लिया हुआ है वो ओक बो है। देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा स्टैट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। और अगर आपके पास प्रीमियम मेंबर हैं आप तो आपको मिल सकता है यहाँ पर टेस्ला जो है। देखिए तो जो ये टेस्ला वाला हमारे पास वो है, देख सकते हैं आप, ये आपका एरिया 1 से लेकर 3 तक के लिए काम करेगा। और साथ में देख सकते हैं आप 19,800 डायमंड अगर आपके पास होंगे तो आप इसे बाय कर सकते हैं। और तीनों ही एरिया के लिए आपको ये जो बो एंड एरो है कंपेटेबल होगा, आप सारे राउंड इससे खेल पाएंगे। हालांकि हमारे पास इतने नहीं हैं तो हम लोग चलते हैं एरिया 2 की तरफ, जो कि हमें बर्च बो यहाँ पर लेना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको इसके पूरे स्टैट्स शो हो रहे हैं लेफ्ट साइड पर, और साथ में 31,100 के अंदर हम इसको बाय कर सकते हैं। वरना आप चाहें तो यहाँ से 1,000 डायमंड थ्रू बाय कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दोनों तरीकों से बाय कर सकते हैं। हमारे पास कैश जो है वो बहुत ज़्यादा है तो हम उसी से करेंगे। और फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्लडी रोज ले सकते हैं 1750 डायमंड्स के थ्रू। वरना अगर आपके पास प्रीमियम है तो फिर आप ले सकते हैं यहाँ पे एरा ऑफ पिग आयरन दे सकते हैं आप। और आपको स्टैट्स दिख रहे हैं यहाँ पर इसके। तो हम लोग करते हैं यहाँ पर अपने बर्च बो को यहाँ पे बाय। दे सकते हैं इसके स्टैट्स वाकई में हमारे जो हमारा ओक बो था उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो भाई इसे करते हैं फटाफट से अनलॉक। करते हैं यहाँ पे बाय नाउ पर क्लिक और आ चुका है हमारा धमाकेदार बर्च बो, जो कि एरिया 2 में धूम मचाने वाला है। अब मिशन हमारे होंगे एकदम मज़ेदार तरीके से। करते हैं इसे इक्विप। तो चलते हैं हम लोग यहाँ से सीधा अपग्रेड की तरफ और अपने वेपन को करते हैं हम लोग अपग्रेड, ताकि हम लोग मिशन खेलने के लायक बन सकें अभी। तो यहाँ पे हमारे पास कैश तो भाई इतना अंधा पैसा है इस समय। आईना खेल खेल के हमने एरिया 1 जापान में इतना अंधा पैसा इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ से जितनी भी चीज़ें फटाफट से हम लोग रिकमेंडमेंट के अंदर जो भी इस तरीके से आती रहेंगी स्टेप वाइज हम लोग उसको अपडेट करते रहते हैं। करते हैं इसे कन्फर्म। नेक्स्ट आइटम दिख रहा है हमें एलोरेस्ट। करते हैं इसको बाय नाउ। करते हैं इसको बाय नाउ यहाँ पर कन्फर्म। बहुत पैसा है भाई, मैंने बहुत आईना खेले हैं उसके एरिया 1 जापान के। तो मैं बताता हूँ कि अपडेट में आपको कैश नीड पड़ती है तो वहाँ वाला कैश यहाँ काम आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 10 मिनट का टाइम। तो जब तक ये लोग अपग्रेड करेंगे इसको लेवल 5 तक, जो ये हमारा बो स्ट्रिंग का है, तब तक हम लोग एक काम करते हैं मिशन खेल लेते हैं। चलते हैं मिशन की तरफ, देखते हैं हमारा भाई एरिया 2 मेक्सिको कैसा होने वाला है। करते हैं भाई स्टार्ट मेन स्टोरी को। देख सकते हैं आप यहाँ पर 35 राउंड है यहाँ पर जो हमें खेलने हैं।
तो इन 35-35 राउंड्स में से हम लोग फर्स्ट राउंड जो हमारा देख सकते हैं नीचे आप ग्रीन टिक शो हो रहा है, यानी कि हम लोग एप्लीकेबल हैं इस राउंड को खेलने के लिए। साथ में आपको डोमिनेटर दिख रहा है, यहाँ पर जो मिलर है उसकी रूलिंग पावर दिख रही है। तो एक करके हम लोग इसके सारे मेंबर्स को फिर हंटिंग लिस्ट को मारेंगे, तो मज़ा आने वाला। करते हैं स्टार्ट। ओए हेलीकॉप्टर, ओ भाई सिनेमैटिक यू व्हाट, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मैक्सिको आ चुका है हमारे सामने और आ चुका है हमारा निंजा न्यू लोकेशन पे और फर्स्ट मिशन हमारे सामने आ चुका है, देख सकते हैं आप। तो आ चुका है हमारा मैक्सिको का फर्स्ट मिशन, इसका नाम है न्यू मिशन और हमारा टारगेट है द आर्म्ड मैन। और डिस्क्रिप्शन के अंदर इन्होंने बता रखा है कि हमें मिलर को मारना है जो कि हेड है मैक्सिको की एक गैंग का जिसका नाम है ट्रूथ कम फर्स्ट और ये उसी का बेस है। और हमें एक सूटकेस को यहाँ पे फाइंड करना है, पर उससे पहले हम लोग जितने भी यहाँ पर गार्ड्स मिलेंगे हमें उन सबको मारना है। हमें अगर हमें यहाँ पर चाहिए तीनों स्टार्स हमें मिशन कम्प्लीट करना है। साथ में हमें किसी की अटेंशन जो है वो ग्रैब नहीं करनी किसी दूसरे गार्ड को मारते हुए। साथ में हमें दो लोगों को कम से कम हेडशॉट से मारना है। तो करते हैं फटाफट से यहाँ पहले मिशन को स्टार्ट। तो स्टार्ट हो गया हमारा यहाँ पर फर्स्ट मिशन, देख सकते हैं हमें सामने दिख रहा है एक गार्ड, तो लेते हैं इसका हेडशॉट और गोनी करते हैं गर्मा गर्म हेडशॉट से। हम लोग चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे और वहाँ पर दिख रहा है हमें गार्ड और आसपास का क्रिएटर दिख तो नहीं रहा मुझे, तो यहाँ पर ले लेते हैं इसका भी हम लोग गर्मा गर्म हेडशॉट। ख़त्म। और यहाँ पे हमने दोनों ही रिक्वायरमेंट जो थी हमारी हेडशॉट की वो कंप्लीट कर दी हैं, देख सकते हैं हमारा यहाँ पे हो चुका है लेवल 10 से 11। साथ में हमारा स्टेमिना हो चुका है रिस्टोर, मिलते हैं हमें 10 डायमंड्स। करते हैं इसे कंफर्म पे क्लिक। हम लोग देख सकते हैं हमें मिशन के मिले यहाँ पर 2000 कैश, साथ में हेडशॉट के मिलते हैं 80 टोटल हमारे हो चुके हैं यहाँ पर 2080 कैश। साथ में हमें तीनों ही स्टार्स मिल चुके हैं, हमें मिशन कंप्लीट किया है, हमने किसी का टेंशन ग्रैब नहीं करी। साथ में हमने दोनों प्लेयर्स का हेडशॉट लिया है और हम यहाँ पे देख लेते हैं वीडियो को और करते हैं अपने रिवॉर्ड को डबल फटाफट से, क्योंकि भाई कैश हमें चाहिए अपग्रेडेशन के लिए वेपन्स को, वरना आपको ज़्यादा मिशन खेलने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा वीडियो देख लो। हो चुका है हमारे यहाँ पे टोटल कैश 4160, देख सकते हैं आप। करते हैं हम लोग कंटिन्यू, अगले को बढ़ते हैं अगले गर्मागर्म मिशन की तरफ। चलते हैं हम लोग मिशन की तरफ और देख सकते हैं हमारा जो सेकंड मिशन है वो हम लोग खेल सकते हैं। नीचे दिख रहे हैं आपको तीनों ग्रीन टेक, यानी कि हम लोग एप्लीकेबल हैं। करते हैं यहाँ से मिशन को स्टार्ट हम लोग और पहुँच चुके हैं हम लोग लोकेशन पर, देख सकते हैं आप। मिशन का नाम है यहाँ पर स्नीक और टारगेट है हमारे 2 आर्म्ड मैन और डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बता रखा है कि जो हमारा टारगेट है वो ट्रैप करता है वेयरहाउस तक जाएगा और जो 2 गार्ड्स हैं उन्हें मारना है ताकि हम लोग वेयरहाउस के अंदर एंटर कर सकें। अगर आपको चाहिए यहाँ पर 3 स्टार तो मिशन कम्प्लीट करना है, हमें सिर्फ 30 सेकंड के अंदर यहाँ पर मिशन कम्प्लीट करना है। साथ में हमें सिर्फ 2 ही एरोज़ का यूज़ करना है कम से कम। तो करते हैं यहाँ पर मिशन को स्टार्ट हम लोग। तो यहाँ पर हमें अभी एक कार दिख रही है तो इसी के अंदर बैठे हुए हमारे कैरेक्टर साहब। यार मैं ही सोच रहा हूँ कि क्या हम गाड़ी के अंदर ऐसे मतलब आप मार सकते हैं क्या, देखते हैं क्या सीन होता है। क्योंकि तब भी अगर हम लोग मार सकते थे तब भी फिर एक बंदा मरता। लोग सामने आ गए तो लेते हैं सांस लेते हैं आपसे हम हेडशॉट और दूसरे ट्रेक में रैकेट दिख रहा है तो इसको भी फटाफट से मार लेते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिट है 30 सेकेंड्स की। बहुत ईजीली ख़त्म किया हमने यहाँ पर। हो चुका है हमारे यहाँ पे मिशन कंप्लीट, देख सकते हैं मिल चुके हैं हमें यहाँ पर कैश 2048, साथ में मिलते हैं हेडशॉट के 80 कैश। टोटल हमारे हो चुके हैं यहाँ पर 2128, मिल चुके हैं हमें 3 स्टार्स। मिशन कंप्लीट किया है 30 सेकंड से कम के अंदर किया, कम से कम 2 आवर्स का यूज़ किया हमने। तो आप लोग ट्राई करना कि जो ये रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं 3 स्टार्स वाले वो भी कंप्लीट करें विद हेडशॉट, तभी गेम में मज़ा आया भाई। वरना फिर नॉर्मल गेम भी खेलोगे चेस्ट में मारोगे तो क्या मज़ा आएगा। करते हैं कंटिन्यू क्लिक, करते हैं इसको यहाँ पे हम बंद और चलते हैं मिशन की तरफ और चेकआउट करते हैं हमारा थर्ड मिशन कैसा होने वाला। देख सकते हैं मिशन का नाम है ड्रग प्रिस्क्रिप्शन और ग्रीन टी शो, यानी कि हम लोग खेल सकते हैं राउंड को। तो करते हैं गर्मा गर्म राउंड को स्टार्ट एक और। तो इस राउंड का नाम है ड्रग प्रिस्क्रिप्शन, साथ में टारगेट है हमारा द मैन हु इज रिसीविंग द सूटकेस। तो जिसको सूटकेस मतलब जो सूटकेस लेने के लिए आएगा हम उसे मारना है। और मिशन का डिस्क्रिप्शन बता रखा है कि क्या हमें सामने एक बहुत ही सुंदर सूटकेस दिख रहा है, उसके अंदर एक ड्रग की न्यू रेसिपी है जो कि मिलर को बहुत सारे पैसे दिलवा सकती है। तो जो भी बंदा उसको लेने के लिए आएगा हमें उसे मारना है। और अगर आपको यहाँ पर 3 स्टार्स चाहिए तो आपको मिशन कम्प्लीट करना है। साथ में जिस बंदे ने ब्लैक हेड पेन रखी है मैं उसे भी मारना है और सिर्फ कम से कम 2 आवर्स का यूज़ करना है। तो करते हैं आप मिशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई कौन लेने आता है ड्रग्स के इस सूटकेस को। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर पूरी राउंड की लोकेशन दिख रही है, हम लोग इस समय वेरा उसके अंदर दे सकते हैं आप। ऊपर आपको ट्रस दिख रही है और काफ़ी ओपन एरिया है यहाँ पर। अब चेकआउट करते हैं कौन लेने आता है। यही पक्का यही है। हाथ हिला रहा है भाई हाथ क्यों हिला रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, घर पे ले चलो डिनर कर ले इसका जाकर। तो पहले मारना है हमें ब्लैक हेड वाले को, फिर इसको मारना है हमें। चाचा
ओहो प्यारे चाचा, खत्म किया यहाँ पर, लिया हमने दोनों का ही हेडशॉट। हो चुका हमारे यहाँ पे मिशन कम्प्लीट, मिलते हैं हमें 209 कैश साथ में हेडशॉट के, 80 कैश टोटल हमारे हो चुके हैं यहाँ पर, 289 मिल चुके हैं हमें तीनों स्टार्स। मिशन कम्प्लीट किया ब्रैकेट वाले को हमारा, सिर्फ हमें 2000 उसका यूज के करते हैं हम लोग, कंट्री प्ले को बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसको यहाँ पे बंद। और देखिए यहाँ पे हमारा अपग्रेड रेडी हो चुका है, तो करते हैं इसे इक्विप। और जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं जो हमारी लिमिट के अंदर, इन सबको हम लोग फटाफट से अपग्रेड कर लेते हैं ताकि मशीन में मज़ा बहुत आए, क्योंकि भाई पैसा बहुत है हमारे पास। क्या और ये पैसा लेके कहाँ जाएंगे, यूज़ कर लेते हैं मिशन के अंदर। आप जितनी भी चीज़ें अपग्रेड कर सकते हैं आप कर लें यहाँ पर, तरीका वही है कि रिकमेंडेड के अंदर जिस तरीके से आ रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पे बाय करते रहें, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई टेंशन नहीं, गेम ने बहुत इजी बना रखा है आपके लिए करना। लगता है भाई आज ही सारे पैसे खत्म कर देंगे, करते हैं कन्फर्म यहाँ पर। भाई काफ़ी अपग्रेड कर लिया मैं क्रेडिट को, लगता है काफ़ी सारे मिशन हम लोग खेल लेंगे अब इस बॉस से एक ही बारी में। चलते हैं मिशन की तरफ हम लोग, और देख सकते हैं हमारा जो फोर्थ मिशन है उसमें चलते हैं मेन स्टोरी की तरफ। लीग ऑफ ट्रैक, ग्रीन टिक शो हो रहा है नीचे, ये हम लोग खेल सकते हैं राउंड को। करते हैं हम लोग इस धमाकेदार राउंड को स्टार्ट और देखते हैं क्या स्टोरी होने वाली है। तो राउंड का नाम है लीग ऑफ ट्रैक, टारगेट है हमारा ऑल अटैकर्स। तो उन लोगों ने हमें देख लिया है लेकिन हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हम लोग उनको बहुत ही ईजिली मारते हैं। तो हमें यहाँ पर सारे ही एनिमीज़ को मारना है, और अगर आपको तीनों स्टार चाहिए तो मिशन कम्प्लीट करना है। 5 लोगों का मैं हेडशॉट लेना है साथ में, हमें सिर्फ 5 एरो यूज़ करने हैं। तो करते हैं यहाँ पर मिशन को स्टार्ट और तीनों स्टार को अचीव करते हैं हेडशॉट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एनिमीज़ को मारना है यहाँ पर। ये रहा फर्स्ट कटर, लेते हैं इसका हेडशॉट यहाँ पर, वो रहा राइट साइड का हमारा सेकेंड टारगेट, ख़त्म किया है इसे। एक यहाँ पे ऊपर भी है, आप लोग भी ट्राई करना सारे शॉट्स आप जो मारेंगे हेडशॉट लें। और एक लास्ट टारगेट बचा है हमारा यहाँ पर, लेते हैं इसका भी एक और हेडशॉट, ख़त्म। तो हो चुका है यहाँ पे हमारा मिशन कम्प्लीट, मिल चुके हैं हमें यहाँ पर 2143 कैश साथ में, 200 हेडशॉट के टोटल हो चुके हैं हमारे यहाँ पर 2343 कैश। मिशन कम्प्लीट कर दिया, 5 चुका है हमने हेडशॉट लिया जैसे उन्होंने कहा था, और साथ में हमने सिर्फ 5 एरोज यूज़ करे। करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू, प्ले करो पड़ते हैं आगे मिशन की तरफ। करते हैं हम लोग इसको यहाँ पे बंद, और चेक करते हैं कि नेक्स्ट मिशन जो हमारा है वो कहाँ पे होने वाला है और क्या स्टोरी रहेगी उसके पीछे। करते हैं मिशन पर क्लिक, तो चलते हैं मेन स्टोरी पे। देख सकते हैं हमें यहाँ पे खेलना है फिफ्थ मिशन जो हमारा, इसका नाम है वन शॉट, और ग्रीन टिक शो रहने के हम लोग खेल सकते हैं इस राउंड को यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं मिशन को, वैसे भी यार न्यू एरिया है पूरा, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और आ चुके हम लोग न्यू लोकेशन पे, तो भाई मिशन का यहाँ पे नाम है वन शॉट, साथ में हमारा टारगेट है द रनिंग मैन। तो सामने जो आप प्लेयर देख रहे हैं ये हमसे बच के भागने की कोशिश कर रहा है, अब जाके हो सकता है ये हेल्प मांगे या क्या करे वो हमें नहीं पता। तो हमें यहाँ पे इसे ख़त्म करना है बिल्कुल। तो अगर आपको चाहिए यहाँ पे तीनों स्टार्स तो हमें मिशन कम्प्लीट करना है, एक हेडशॉट लेना है, साथ में हमें बो एंड एरो का ही यूज़ करना है। करते हैं यहाँ पे मिशन को स्टार्ट और ख़त्म करते हैं इस बंदे को फटाफट से। तो देख सकते हैं हमारा जो प्लेयर है सामने वो भाग रहा है, अब यार गेम में तो बताया नहीं क्यों भाग रहा है, लेकिन मुझे पता है इसको लगनी है कोरोना की वैक्सीन। और ये है 18+, तो इसलिए भागता हुआ जा रहा है हॉस्पिटल सीधा। देखो घूम के आ गए यहाँ से, अब यहाँ से इजीली लेंगे हम इसका हेडशॉट, खत्म भाई सीधा हेडशॉट, काम खत्म। अच्छा इस मिशन में हेडशॉट लेना बहुत मुश्किल था, जब आप खेलोगे आपको पता लगेगा, काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन आप लोग फिर भी ट्राई करना हेडशॉट लोगे, जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है वो बहुत बढ़िया है। साथ में 10 मिल चुके हैं हमें यहाँ पे पिगी बैंक जो कि 53% भरा हुआ है, जिसके अंदर है 800 डायमंड्स। तो अगर आप यहाँ 260 स्पेंड कर सकते हैं तो आप इस पिगी बैंक को तोड़ें यहाँ पर और जो डायमंड्स उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। और हमने मिशन कम्प्लीट कर दिया, मिल चुके हैं हमें यहाँ पर 219 कैश साथ में हेडशॉट के 40 टोटल हमारे हो चुके हैं 259। साथ में मिशन कम्प्लीट किया, हमने हेडशॉट लिया है और सिर्फ हमने बो एंड एरो का यूज़ किया है। तो भाई इस जन्म में तो इसकी वैक्सीन लग नहीं पाई, अच्छे काम कर रहे होते तो मैं ऐसे वैक्सीन लगाने भी देता। इसको करते हैं यहाँ से बंद और चलते हैं मिशन की तरफ, चेकआउट करते हैं एक और अनदर धमाकेदार मिशन को हम लोग। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो फिफ्थ राउंड कंप्लीट कर लिया हमने, यहाँ पर सिक्स्थ मिशन खेलना है जिसका नाम है रिपेयरिंग यार्ड।
और अगर नीचे ग्रिंटिक शोर रहने हम लोग खेल सकते हैं इस राउंड को। तो स्टार्ट करते हैं भाई, मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि न्यू एरिया एकदम, सारे राउंड्स की लोकेशन इतनी बढ़िया लग रही है देखने में, ग्राफिक्स वगैरह आप जानते हैं गेम के ऑसम है। ओ भाई क्या स्काईलाइट आ रही है यार ऊपर से, व्यू कितना बढ़िया लग रहा है देख सकते हैं आप। तो इस मिशन का नाम है रिपेयरिंग यार्ड और हमारा टारगेट है द मैन टेकिंग अ पेंट बकेट, पेंटर भाई, पेंटर को मानना है। और मिशन के डिस्क्रिप्शन में बता रखा है कि स्वागत है आपका रिपेयरिंग यार्ड के अंदर। और क्या आपको बंदा दिख रहा है जिसने बकेट हाथ में ली हुई है, एक्चुअल में वो एक स्पाई एजेंट है जो कि स्पाई कर रहा है मिलर के लिए नेसर को, तो हमें उसे मारना है। अच्छा पेंटर नहीं है, ठीक है वही सोच रहा हूँ मैं, पेंटर को मार रहे हैं हम लोग। और अगर आपको यहाँ पे तीनों स्टार चाहिए तो मिशन कम्प्लीट करना है, और साथ में जिस बंदे ने सूट पहना है उसे भी मारना है। और ईगल आई का यूज़ नहीं करना भाई, जो कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ईगल आई का यूज़ ना करें, अपनी सेंस का इस्तेमाल करें और टारगेट को ढूंढने, क्योंकि उसमें तो मज़ा है ढूंढने हेडशॉट ने, खत्म भाई। करते हैं मिशन स्टार्ट और चेकआउट करते हैं कि कौन सा है हमारा टारगेट, साथ में सूट वाला बंदा कौन है। तो पहले तो ढूंढते हैं भाई बकेट वाला बंदा कौन है यार, आँखों में जूम लगाना पड़ेगा कुछ दिख, बहुत दूर दूर तक टारगेट है यहाँ तो यार। अरे ये रहा ये तो सामने आ गया, अब यार बकेट वाला बंदा ये रहा और सूट वाला बंदा कहाँ है, सूट वाला, अच्छा सूट वाला बंदा देख सकते हैं आप ऊपर चल रहा है लेफ्ट साइड पे, ये रहा सूट वाला और एक ये। तो भाई पहले किसे मारना है, ओए यार हेडशॉट मार तो लगा नहीं इसके, अबे यार उसका सर छुप गया उसके पीछे, कहाँ से मारो अब मैं, अब इस चक्कर में या ना हो नीचे वाला बंदा भाग जाए। अरे यार यार ये क्या मुसीबत है, आ जा भाई आ जा भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया, ये लिया है भाई, तू मत भाग जाइए और रुका रहे। यस फट से हेडशॉट, नकली पेंटर। तो मिशन कम्प्लीट कर लिया हमने, यहाँ पर देख सकते हैं आप रिपेयरिंग यार्ड का मिल चुके हैं हमें यहाँ पर 2238 कैश, साथ में 80 हेडशॉट टोटल हमारे हो चुके हैं यहाँ पर 2318 कैश। मिशन कम्प्लीट किया, सूटल बंदे को भी मार दिया, साथ में ईगल आई का यूज़ नहीं किया, अपने सेंसेस के थ्रू टारगेट को ढूंढा, मज़ा आया और हेडशॉट लिया दोनों का ही। यही करना है आपको भी, गेम को एंजॉय करें 100% लेवल पे भाई, तभी तो मज़ा है। देखते हैं वीडियो को करते हैं यहाँ पर रिवॉर्ड को अपने डबल, हो चुका हमारे यहाँ पर कैश डबल, करते कंटिन्यू क्लिक और फटाफट से चलते हैं एक और ग्रमाग्रम मिशन की तरफ हम लोग, क्योंकि भाई मज़ा बहुत आ रहा है, साथ में वेपन तो हमारा इतना बढ़िया हो चुका है कि अब आईना खेलने में भी उतना मज़ा आएगा। तो 7th मिशन खेलना है हमें और ग्रिंटिक शोर यानी कि हम लोग खेल सकते हैं राउंड को। आ चुके हैं न्यू लोकेशन, मिशन का नाम है किल द ट्रेटर, टारगेट है हमारा द मैन बींग सर्च, मतलब जिसको ढूंढेंगे ये लोग। तो मिशन डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि एक लोकल डिटेक्टिव है जिसने लीक करी है हमारी इन्फॉर्मेशन, पर जो लोग हैं यहाँ पे जो आप देख सकते खड़े हुए हैं ये, इन्होंने उसका बिलीव नहीं किया। और अब जो इस बंदे को, जो बंदा सर्च करेंगे जिस बंदे को, ये हम उस बंदे को मारना है, क्योंकि धोखेबाज हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और आपको चाहिए यहाँ पर तीनों स्टार्स, तो मिशन कंप्लीट करना है हमें। और मारते हुए जो है जब उस कैरेक्टर को मारेंगे हम, तो किसी और बंदे की उस पर अटेंशन ग्रैब नहीं होनी चाहिए, और साथ में कम से कम एक बंदा तो मारना है। तो देखते हैं भाई क्या सीन होने वाला है, कौन बंदा आने वाला है, किसे सर्च करना है, क्या करना है, देखते हैं। तो हो चुका है हमारा यहाँ पर मिशन स्टार्ट, और लोकेशन चेकआउट कर सकते हैं आप, काफ़ी वास्ट लोकेशन है, स्काईलाइट दिख रही है ऊपर से, लेकिन डिटेलिंग काफ़ी सारी दिखा रखी है उन्होंने राउंड के अंदर। और एरिया टू का तो हमारा सारे राउंड से एकदम नए, तो मज़ा बहुत आ रहा है। अब देखिए कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका है, और देखिए ये यहाँ पे इसे सर्च कर रहा है। अब एक्चुअली में क्या है, हम इसको अब यहाँ मारते हैं तो कैरेक्टर सामने से ही दिख रहा है, तो हमारा जो एक स्टार है वहाँ पे मिस हो जाएगा। अब इन दो कैरेक्टर्स का फेस उस साइड, यानी कि हम लोग अब इसे मारेंगे तो उन्हें पता नहीं लगेगा। तो लेते हैं यहाँ पर इसका हेडशॉट, ख़त्म किया है यहाँ पर हमने इसे, जो तीनों रिक्वायरमेंट्स थी मिशन की वो हमने देख लिए यहाँ पर। अगेन आ चुका है पिगी बैंक का, इसको करते हैं हम लोग बंद, देख सकते हैं हमारे यहाँ पे हो चुका है मिशन कम्प्लीट, मिल चुके हैं हमें यहाँ पर 228 कैश, साथ में हेडशॉट के वॉल्यू टोटल हमारे हो चुके हैं यहाँ पे 268 कैश, हमने मिशन कम्प्लीट करा है, हमने किसी का टेंशन क्लियर नहीं करी, और साथ में हमने एक बंदे को मारा है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि हमें एक बंदे से ज़्यादा बंदा नहीं मारना है यहाँ पर। करते हैं आप कंटिन्यूटी को, बढ़ते हैं आगे हम लोग। अच्छा एक चीज़ और सोचने वाली है कि इस जो डिटेक्टिव है इसने कितनी मेहनत करी होगी हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बारे में, और फिर जब लेकिन इनके पास किया तो इन लोगों ने यकीन भी नहीं किया था तो कितना गुस्सा आ रहा होगा ऐसे कि भाई मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, फ़ायदा क्या हुआ उसका। तो करते हैं यहाँ पर इसको बंद, और देख सकते हैं यहाँ पर यार आर्चीव का जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, इस पर रेड सेंड शो हो रहा है, इस पर एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको याद है कि जैसे जैसे हमारे स्टार्स इंक्रीज होते हैं हमें यहाँ पर लेटर मिलते हैं जिसमें 10 डायमंड होते हैं, तो ये भी हम लोग आगे चेकआउट करेंगे अभी।
तो एक बार ज़रा अपना अपग्रेड चेक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि अपग्रेड को आपको पता है यहाँ पे 10 मिनट का टाइम लग रहा है इसमें अपग्रेड करने में, क्योंकि हमारे पास कैश ज़्यादा था तो हमने ऑलरेडी काफ़ी हद तक कर चुके हैं अपग्रेड, लेकिन फिर भी क्योंकि नीट तो एंड तक पढ़ने ही वाली है, बाद में अनास में भी काम आएगा। चेकआउट कर लेते हैं एक बार, देखिए यहाँ पे आ चुका, करते हैं ऐसे बाय नाउ यहाँ पर कंफर्म, और नेक्स्ट जो भी है ये तो अभी नहीं कर सकते हम लोग, बैक करते हैं। और ये शिट यार, हमने टैलेंट तो हम लोग करे ही नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो एरिया 2 है उसकी 3 अगेंस्ट स्पेशल पावर्स हैं, जो कि मैंने आपको दिखाई थी आई गेस शायद एरिया 1 की लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कौन कौन सी पावर है उनका यूज़ किया। तो आपने अगर अब तक नहीं देखी है एक्सप्लेनेशन तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वरना आप यहाँ पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हम लोग इन तीनों ही पावर्स अनलॉक करेंगे। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे हिडन वेपन टैलेंट, तो स्टडी कर लेते हैं इसको। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फास्ट शूटिंग है, जो कि आप जानते हैं कि हम सिंगल टैप करेंगे तो बिना जूम करके ट्रक को मार सकते हैं हम लोग, तो अगेन काफ़ी वंडरफुल पावर है। और थर्ड हमारे पास यहाँ पे है नेचुरल डेस्टिनी, जो है देख सकते हैं आप, जिसमें हमारा जो ईगल आई का वेपन होता है, जो हम ईगल आई यूज़ करते हैं उसका जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। तो फटाफट से इन तीनों को स्टडी कर लेते हैं हम लोग बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हुए, क्योंकि मिशंस भी खेलने फटाफट से आगे में 2, और देखिए 500 मांग रहा तीसरे वाले में, तो इसे करते हैं हम लोग कन्फर्म। हो चुके हमारे यहाँ पर 6 टोटल पावर, आप सोचिए ज़रा 5 लेवल हैं हमारे, इसमें 6 हैं टोटल जो इसमें एरिया दिखा रहा है, तो उस हिसाब से 3-3 पावर सब करते हैं, तो कितनी सारी पावर्स हमारे निंजा के पास होने वाली हैं भाई, मज़ा भाई मज़ा। यही तो गेम की इंटरेस्टिंग बात है, डिफरेंट डिफरेंट पावर्स, फिर वेपन्स अपग्रेड करो, न्यू न्यू लोकेशंस, उसके बाद अनास का अलग मज़ा, धमाकेदार गेम भाई। तो फ्रेंड आप लोग भी गेम को खेलें, एंजॉय करें, ईगल आई का यूज़ ना करें और साथ में हेडशॉट का ट्राई करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस गेम को एंजॉय करें और अनास साथ में खेलते रहें ताकि मज़ा आए आपको। और जो हमारे आगे के मिशंस होने वाले हैं वो हम खेलेंगे हमारी स्पेशल पावर्स के साथ, जो कि 6 की 6 हमने अनलॉक कर लिए हैं। इस वीडियो को लाइक करें, आपको वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट करके बताएं, और आपका एक्सपीरियंस इस गेम को खेलने कैसा रहा वो भी आप कमेंट पर ज़रूर बताएं, और कौन सी गेम की वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने अमेजिंग फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग गेम रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल XenoZone को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, इस चैनल पर अपना सपोर्ट दिखाएं, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने अमेजिंग फ्रेंड्स से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक्स।